लॉकडाउन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी अभी जिलाधिकारी के दफ्तर पे हम होते, लेकिन लॉकडाउन के कारण और जो कोरोना गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जिला प्रशासन को 15 दिनों का समय दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और जरूरत पड़ेगा तो हम जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी करेंगे। सभी ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, रोड के मामला को लेकर जब गांव से वो पूरा की ओर दिन जाती तब निकला, उसमें हम लोगों को कभी बिना नोटिस का बिना सहमति पत्र दिए हम लोगों के साथ वो जमीन पर कब्जा कर माने रोड के लिए कब्जा तो हम अनानत होना शुरू हुआ। हम लोग पीछे तो यही बोला कि ये जो ये रोड आपका जमीन रोड में जा रहा है जमीन इसमें मिलेगा, जबकि उसका मुआवजा हुआ पैसा लेकिन उसका 4 गुना मिलेगा। अंत में जिला कमेटी का गठन हुआ, वो कमेटी जाकर 11,500 का हम लोग का साथ ये किराया था। क्या आप ऐसे पदाधिकारियों के साथ चेक बैठे हैं? पहले हम लोग का थोड़ा तभी लेकर चाहे जिस तरह वो जो 65 सुनाया गया उसी का हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग को पैसा नहीं मिला, कब कहा फिलहाल कहा कि अरे अभी मिल जाएगा पैसा, अभी 8 दिन में पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिला नहीं। बिना किसी नोटिस जमीन नापी होना शुरू हो गया, ढलाई भी हो गया। आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? अब बहुत विरोध किया, हम लोग रोक लगाए, दो बार रोक लगाए, वहाँ पर भी वीडियो करवाए,